गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे एमाइंस में जो रिएक्शंस चल रही थी उसमें हमने कन्वर्जन को भी किया था, और फिर हमने इसकी दो रिएक्शन भी देखी थी, कार्बिलेमिन रिएक्शन और एक इसमें देखी थी डाइजोटाइजेशन। आज जो हम इनके रिएक्शंस देख रहे हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड कपलिंग रिएक्शन, अमोनोलाइसिस, एसिटिलेशन और गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है। तो देखो, वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर लास्ट तक और रिएक्शंस को समझें, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपन जो नेक्स्ट रिएक्शन करने वाले हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। एमाइंस के चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है हाफमान ब्रोमेमाइड, और इसका जो कन्वर्जन प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी यूज़ होता है। तो फिर शुरू करते हैं हम फर्स्ट रिएक्शन से, हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन, इसे हम HBD के नाम से भी बोल सकते हैं, हाफमान ब्रोमेमाइड, और D का मतलब होता है डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन। यहाँ ये जो वर्ड आया है डिग्रेडेशन, इसका मतलब होता है डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन्स इन एमाइंस, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन। यानी इसका मतलब यह है कि अपन जो भी इसमें रिएक्टेंट लेते हैं उस रिएक्टेंट में नंबर ऑफ कार्बन जो होते हैं वो प्रोडक्ट में क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। एक कार्बन लेस प्रोडक्ट इसमें ऑप्टेंड होता है HBD रिएक्शंस के अंदर। तो ये रिएक्शंस होती कैसे है, देखिए, हाफमान्स ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। ब्रोमेमाइड का मतलब होता है इसमें हमें ब्रोमीन की रिएक्शन एमाइड से करवानी होती है, एरोमेटिक और एलिफेटिक एमाइड के साथ, और इन प्रेजेंस ऑफ द एल्केली, एल्केली सॉल्यूशन के अंदर ये रिएक्शन होती है। तो अपन ले सकते हैं इसमें एमाइड RCONH2, एमाइड प्लस Br2 एन प्लस एल्केली KOH। ये हम स्टार्टिंग इसके जो मटेरियल है वो हम लेते हैं, और ये जब रिएक्ट होते हैं तो इससे वन कार्बन लेस का एमाइंस प्रिपेयर होता है। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आपको करना क्या होता है, इस एल्काइल ग्रुप को इस कार्बन से माइग्रेट करना होता है इस नाइट्रोजन पर, और इस CO को यहाँ से एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ से CO एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो कार्बन है, जो एल्काइल ग्रुप है, ये माइग्रेट हो जाएगा टू नाइट्रोजन। तो प्रोडक्ट विल बी RNH2 प्लस 2KOH प्लस K2CO3 एंड प्लस 3H2O, ये यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है 1 डिग्री Mi। फॉर एग्जाम्पल CH3C OH2 इथेनेमाइड प्लस Br2 एंड प्लस KOH। तो वही हमें करना होता है, CH3 माइग्रेट टू नाइट्रोजन, CH3NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 एंड प्लस H2O।
ओके, एक एग्जांपल हम और कर सकते हैं इसमें, बेंजेनेमाइड बेंजीनेमाइड प्लस Br2 प्लस KOH। तो यहाँ ये जो एरोमेटिक रिंग है वो माइग्रेट होगी नाइट्रोजन पर, NH2 एनिलीन प्लस 2KBr प्लस K2CO3 एंड प्लस 3H2O। तो इस टाइप से हमें HBD रिएक्शन करना है और बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसमें देखो, डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि एमाइंस जो हम बना रहे हैं उसमें एक कार्बन कम होगा कंपेयर टू एमाइड। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाफमान ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, इनकी मैकेनिज्म हम करेंगे, लेकिन वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वन बाय वन सभी की मैकेनिज्म हम करेंगे। आज हम सिर्फ इन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, इनके एग्जांपल्स जो है हम सोल्व करेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपके लिए यहाँ लिखता हूँ, आपको सोल्व करना है और बताना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। CH3CH2 C डबल बॉन्ड O NCH3 N मिथाइल प्रोपेनेमाइड प्रोपेन एमाइड ओके प्लस Br2 प्लस KOH। आपको बताना है यहाँ पे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, वही तरीका है, अपन को सिंपली क्या करना है, एल्काइल ग्रुप को माइग्रेट करना होता है, ऐसे आप कर लेना, ठीक है ना। और करके ये बताना है कि इसमें कौन सा एमाइंस प्रिपेयर होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री एमाइंस प्रिपेयर होता है, तो कौन सा प्रिपेयर होगा इनमें से वो भी आपको बताना है, कमेंट करना। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा और विच टाइप ऑफ एमाइंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस रिएक्शन। ओके, तो इसे नोट डाउन कर ले, अपन फिर नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, कपलिंग रिएक्शन, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हो गई कपलिंग रिएक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एजो रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम एजो डाइज प्रिपेयर करते हैं। इस मेथड से हम क्या करते हैं, एजो डाइज आर प्रिपेयर्ड। एजोडाइज ऐसे कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कलरफुल होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जिनको ज़्यादातर हम यूज करते हैं जो क्लॉथ्स वगैरह होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर, उनको कलरफुल करने के लिए। और कपलिंग रिएक्शन इज गिवन बाय द डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एंड विद ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं और न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। तो ये जो रिएक्शन होगी वो डाइजोनियम सॉल्ट की होगी। ये डाइजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं हम,
एंड ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस और सी एल माइनस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सॉल्ट रिएक्ट विद न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन। न्यूक्लियोफिलिक बेंजीन का मतलब होता है ऐसा बेंजीन जिस पे एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन पे डोनर है या नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, इससे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन इसकी पैरा पोजिशन पर आ जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, और पैरा पोजिशन इसकी इलेक्ट्रॉन रिच हो जाती है और इस इलेक्ट्रॉन रिच से हम इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, बिकॉज एरोमेटिक डाइजोनियम जो सॉल्ट होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक होता है नेचर में। तो ये तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक, और ये हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक तो इस टाइप से रिएक्शन होगी, यहां पे जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा विद सीएल, तो प्रोडक्ट विल बी, और ये जो नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है शिफ्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव नाइट्रोजन। N double bond N and G. G एक ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और इस G ग्रुप पे हम लगा सकते हैं NH2 NHR OH, OR, कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं, लेकिन उनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए O माइनस इस टाइप से। तो ये सारे एजो डाइज प्रिपेयर करते हैं, और ये जो डाइज होती है ये कलर्ड होती है, इसे कहते हैं एजो डाइज, एजो डाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल या हम यूज करते हैं NH2 एनिलीन, और ये डाइजोनियम सॉल्ट है, तो वही रिएक्शन होगी पैरा पोजिशन से, और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा एन डबल बॉन्ड एन, और ये जो सेकंड एरोमेटिक रिंग है वो यहां पर इसके साथ अटैच हो जाती है। This azo diaze is known as a para amino azo diaze, azo benzene, para amino azo benzene, it is a yellow dye, ये yellow dye होता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करें, एक एग्जाम्पल में आपको फिनोल के साथ करके दिखाता हूँ, उसमें ऑरेंज डाई बनेगी। अगर हम NH2 की जगह यहाँ पर OH ले लें, फिनोल ले लें, द एजोबेंजीन जो है वो फिनोल के साथ रिएक्ट होता है, तो उसमें एक ऑरेंज कलर की डाई प्रिपेयर होती है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। चलिए एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ, अगर हम इसमें फिनोल लें
OH, फिनोल। इसे कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ए ऑरेंज डाई, ये ऑरेंज डाई होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज कॉल्ड कपलिंग रिएक्शन, और इसको कपलिंग रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये यहां पर दो जो कंपाउंड है वो जुड़कर एक सिंगल कंपाउंड बनाते हैं, कपल बनाते हैं, जिसमें दो रिंग एजो ग्रुप से जुड़ती है। इसे हम कहते हैं एजो ग्रुप N2, दिस इज कॉल्ड एजो ग्रुप, और बेंजीन जुड़ने के कारण एजो बेंजीन इसको कहा जाता है। तो ये हो गई कपलिंग रिएक्शन। तो नेक्स्ट रिएक्शन है एमोनोलाइसिस। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, अमोनोलिसिस। तो ये भी हो गया। फिफ्थ देखो, अमोनोलाइसिस। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिससे हम तीनों काइंड के जो एमाइंस है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हेन अमोनिया रिएक्ट विद द एल्काइल हैलाइड अमोनिया, इट इज अ न्यूक्लियोफाइल इन एल्कोहल। तो ये न्यूक्लियोफाइल होगा यहां पर, और कार्बन विल बी इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन सीकिंग। इलेक्ट्रॉन सीकिंग, क्योंकि हैलोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इट विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड एंड इट पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो नाइट्रोजन जो है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन को डोनेट करता है, बॉन्ड बनाता है। इसे एक्स जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। तो R NH3 पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव, ओके। इसके बाद ये जो H है ये पॉजिटिवली नाइट्रोजन के साथ अटैच होने के कारण इट विल बी एसिडिक, लिटिल बिट एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक प्रोटॉन होने के कारण ये बेस के साथ भी एलिमिनेट हो सकता है, अदरवाइज ये एक्स के साथ भी एलिमिनेट हो सकता है। तो इट विल बी एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द एक्स, नेगेटिव चार्ज्ड है, एंड इट गिव्स RNH2 वन डिग्री MI एंड HX, ओके। ये रिएक्शन फर्दर होगी, बिकॉज यहां जो हमने 1 डिग्री एमाइन बनाया है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होने के कारण इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक बिहेव शो करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो अगेन इट रिएक्ट विद RX, ओके। इसे हम R1 मान लेते हैं, ये R1 है। अब जो हम सेकंड R ले रहे हैं ये R2 हो जाएगा। नाइट्रोजन
इसे इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये जो R है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये X नेगेटिव होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया, तो अगेन ये रिएक्शन होगी R1 N H H एंड R2, ये पॉजिटिव होगा, X नेगेटिव होगा, X अगेन H को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे बनता है R1 N H R2, 2 degree amine. अब ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, ये फर्दर रिएक्ट करेगा R3X और HX यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, यहां बनेगा R1 N R2 R3, 3 degree amine. अगेन 3 degree amine रिएक्ट विद R4 N R4X, R1 N R2 R3 and R4, it will be positive charged and X negative charge. तो लास्ट जो हमने प्रोडक्ट बनाया है इसे कहते हैं क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट. तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड अमोनोलिसिस, जिसमें हमने अमोनिया को यूज करते हुए तीनों काइंड के जो एमाइंस है वो प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके तो अब आप इसमें एल्काइल हैलाइड जो भी है वो यूज कर सकते हैं, और एल्काइल हैलाइड से ये डिफरेंट टाइप के जो एमाइंस है वो बना सकते हैं, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा 4 degree nitrogen, और 4 degree nitrogen वुड बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. ओके तो अमोनोलिसिस कंप्लीट है, इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं एसिटिलेशन. आप इसे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, चलो मैं एक इसका एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ. आर में हम एल्किल हैलाइड जो है वो हम ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसमें एक बात आपको ध्यान में रखनी है, एरिल हैलाइड ये रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि एरिल हैलाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे वो रिएक्शन नहीं होती. एरिल हैलाइड अगर हम ले लें X विद अमोनिया, तो ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये रिएक्शन नहीं होता, नो रिएक्शन, ये आपको ध्यान में रखना है, ड्यू टू रेजोनेंस. एरिल हैलाइड में रेजोनेंस के कारण ये रिएक्शन नॉर्मली नहीं होती है. तो एग्जांपल लेके मैं आपको यहां पे क्लियर करता हूं, अगर हम CH3Cl ले लें विद NH3 अमोनिया एल्कोहलिक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बनेगा CH3NH2, 1 degree amine, अगेन रिएक्ट विद CH3Cl, CH3 का होल ट्वाइस NH, 2 degree amine, ये 1 degree हो गया, ये 2 degree हो गया, अगेन रिएक्ट विद CH3Cl, CH3 का होल थ्राइस N, 3 degree amine, अगेन रिएक्ट विद CH3Cl, CH3 का होल 4, N पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट टेट्रा मिथाइल अमोनियम हैलाइड, हैलाइड का मतलब क्लोराइड, क्लोराइड क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट फाइनली इज ऑपेंड. ओके तो आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करें, खुद इसको करके देखें, C2H5Br plus अमोनिया
इस रिएक्शन को आप करके देखें और इसके जितने भी प्रोडक्ट है वो बनाएं, ठीक है। आपको ट्राई करेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो अमोनोलिसिस हो गया, नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिलेशन। एसिटिलेशन एसिटिलेशन ये जो रिएक्शन होती है ये एसिल ग्रुप कंटेनिंग जो कंपाउंड होते हैं उनके साथ की जाती है। तो एसिल ग्रुप जो होता है उसमें ये ग्रुप जरूर प्रेजेंट होगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस ग्रुप इज कॉल्ड एसिल ग्रुप। और अगर हम इस ग्रुप की रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ या फिर एमाइंस के साथ, उसे कहते हैं एसिटिलेशन। तो अगर हम यहां पर जो रिएक्शन कर रहे हैं ये भी एक्चुअल में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए अगर मैं इस एसिल ग्रुप का रिएक्शन इसमें से मैं ले सकता हूं एसिल हैलाइड, या फिर हम ले सकते हैं इसमें एसिड एनहाइड्राइड, तो ये है एसिल हैलाइड, एसिल क्लोराइड, एसिल क्लोराइड। अगर मैं इसका रिएक्शन अमोनिया से करवाता हूं तो अमोनिया से ये सब्स्टिट्यूशन होगा, इट इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं और ये यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले एक टेट्राहेड्रल कार्बन बनता है Cl एंड NH3, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आते हैं और ये Cl यहाँ से एलिमिनेट होता है, ये एलिमिनेटिंग ग्रुप है, और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट हो जाएगा विद Cl। तो इस टाइप से ये टेट्राहेड्रल स्पीसी जो है वो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करेगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 प्लस HCl, amine। तो ये जो रिएक्शन हमने किया है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया है, एसन रिएक्शन किया है, तो सेम हम amines का भी ये रिएक्शन कर सकते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एसिटिलेशन। तो अगर हम अमोनिया की जगह amines ले लें, अभी हमने amines बनाया था अमोनोलिसिस में, हमने RNH2 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री प्रिपेयर किया था, तो सेम वही रिएक्शन हम यहाँ पे वापस करेंगे। और यहाँ पे ये जो एसिल ग्रुप होता है, इस एसिल ग्रुप पे यहाँ एक लिविंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, वो लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव करेगा और उसकी जगह ये जो अमोनिया है, जो amines है, अमोनिया डेरिवेटिव है, वो यहाँ पर अटैच होते हैं और इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिटिलेशन। ओके, इज इट क्लियर? तो अगर यही रिएक्शन हम amines से करते हैं तो कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे H की जगह हम क्या कर देंगे, कोई एलिफेटिक जो एल्काइल ग्रुप होता है वो जोड़ देंगे और यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस आर वन एन एच टू, ये 1 डिग्री amine है, एलिफेटिक, तो इसमें भी वो सेम रिएक्शन होगा, सब्स्टिट्यूशन होता है न्यूक्लियोफिलिक, यहां पे ये जुड़ता है आर सी ओ नेगेटिव सी एल एंड एन एच टू एंड आर वन, तो यही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच एंड आर वन प्लस एस सी एल एन एल्काइल, इसे हम एन एल्काइल से लिखेंगे और ये बन गया एमाइड, इतना जो ग्रुप है उसे हम एमाइड बोलते हैं, एन एल्काइल एल्केन एमाइड, एल्केन एमाइड। तो 1 डिग्री amine के साथ हमने ये रिएक्शन किया, ये रिएक्शन इस टाइप से होगा।
और यहाँ जो ये एमाइड बना है, इस कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग होने के कारण ये जो H होता है ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है। और इसके एसिडिक होने का कारण होता है कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के, वो शिफ्ट होते हैं ऑक्सीजन की तरफ ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो अगर हमें इसे एल्केली बेस में डिजोल्व करते हैं तो इट विल बी डिजोल्व, ये इसमें डिजोल्व हो जाता है बिकॉज प्रेजेंस ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। तो ये बेस के साथ रिएक्ट होके क्या हो जाता है, उसमें डिजोल्व हो जाता है, सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेड एमाइड जो होते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एमाइड जो है वो हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब यही रिएक्शन हम 2 डिग्री एमाइन के साथ करेंगे और इसमें 2 डिग्री एमाइंस का देखते हैं कैसे रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं एसिटिलेशन। आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल प्लस आर आर एन एच, ये है 2 डिग्री एमाइन। तो ये भी सेम रिएक्ट होगा, ये एच और सी एल एलिमिनेट हो जाएगा और ये जो है वो इसके साथ सब्स्टिट्यूशन में चला जाएगा। आर सी डबल बॉन्ड ओ एन आर एंड आर प्लस एस सी एल एन एन डाई एल्काइल एल्केनेमाइड, बट दिस विल नॉट डिजॉल्व इन एल्केली, नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होगा क्योंकि इसके पास एसिडिक प्रोटॉन नहीं है नाइट्रोजन के पास, इसलिए ये डिजोल्व नहीं हो सकता। तो यही रिएक्शन हम 3 डिग्री के साथ करेंगे, तो 3 डिग्री में ये रिएक्शन नहीं होती क्योंकि उसके पास एसिडिक जो हाइड्रोजन होता है वो एमाइंस में नहीं होता, हाइड्रोजन नहीं होने के कारण सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो यही रिएक्शन हम करते हैं 3 डिग्री एमाइंस के साथ R3 3 डिग्री एमाइन, तो हम यह लिख सकते हैं नो रिएक्शन क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करने के लिए इसके पास H नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे तो देगा यहाँ पर लेकिन अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए 3 डिग्री एमाइंस नॉट गिव एसिटिलेशन रिएक्शन। तो ये हो गई एसिटिलेशन रिएक्शन कंप्लीट। ठीक है, इसमें हम अगर इस एसिल ग्रुप में बेंजीन ले लें, बेंजोइल क्लोराइड सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, तो यहाँ हमने एल्काइल की जगह बेंजीन ले लिया और इसकी रिएक्शन यदि हमने एमाइंस या अमोनिया डेरिवेटिव से कर दी आर एन एच टू, तो रिएक्शन वही होगा जो अभी हमने किया है एसिटिलेशन सी डबल बॉन्ड ओ एन एच आर प्लस एस सी एल एन एल्काइल बेंजीनेमाइड, बट दिस रिएक्शन इज नॉन एज ए बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन। बेंजोइलेशन इसे बेंजोइलेशन कहा जाएगा, नॉट एसिटिलेशन। इफ आर रिप्लेस बाय द बेंजीन, यानी कि बेंजोइल क्लोराइड हम लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड अगर हम इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाएं तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं बेंजोइलेशन। ठीक है, तो ये एसिटिलेशन कंप्लीट है। अब जो लास्ट रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। देखिए, इसमें हमें थैलीमाइड लेना होता है
थैलेमाइड हम बनाते हैं थैलिक एसिड से, ये थैलिक एसिड है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इसे हम थैलिक एसिड कहते हैं, 1,2 बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इसका रिएक्शन हम अमोनिया से करवाएंगे। ऑन हीटिंग इट गिव्स थैलेमाइड NH2CNH2, लॉस ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल, इसे कहते हैं भाई थैलेमाइड, थैलेमाइड। और थैलेमाइड यानी कि बेंजीन 1,2 डाई कार्बेमाइड, इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेमाइड। इस कार्बेमाइड को हीट करने पर लॉस ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल होता है और फिर एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है बेंजीन के पास इस टाइप से, इस कंपाउंड को हम कहते हैं थैलेमाइड, थैलेमाइड। इसी थैलेमाइड से हमें क्या करना है, गैब्रियल सिंथेसिस करना है, और गैब्रियल ने इसी थैलेमाइड को यूज किया था। तो अब देखिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लेते हैं थैलेमाइड, देखिए ये जो H है यहां पर, ये एच एसिडिक है, एसिडिक होने का कारण है इस पर दो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग। तो इलेक्ट्रॉन विड्रोविंग होने के कारण ये जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन पे ये एसिडिक होगा, तो इट विल रिएक्ट विद द बेस KOH, तो बेस से ये बनाता है सबसे पहले सॉल्ट, C डबल बॉन्ड O, N नेगेटिव और K पॉजिटिव प्लस H2O, पोटेशियम थैलेमाइड, इट इज अ सॉल्ट। पोटेशियम थैलेमाइड जो है वो फर्दर आगे रिएक्ट करेंगे अपन, इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल, ये ध्यान रखना ये न्यूक्लियोफाइल बन चुका है, क्योंकि नेगेटिव नाइट्रोजन जो है वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है, बेस भी होता है। तो अगर हम इसका रिएक्शन RH से करवा दें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, SN रिएक्शन होगी, वो भी SN2, यहाँ जो रिएक्शन है वो SN2 होता है, क्योंकि ये बल्कि न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 प्रीफर करेगा। और ज़्यादातर इसमें जो एल्काइल हैलाइड है वो 1 डिग्री या 2 डिग्री लिया जाता है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड इसमें सबसे लिस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि SN2 रिएक्शन उसमें बहुत ही कम होती है बिकॉज स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे R से सब्स्टिट्यूशन करने पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये जो नाइट्रोजन है वो अटैक करेगा कार्बन पे, R पे, और ये X यहां से एलिमिनेट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, N एंड R प्लस KX, N एल्काइल थैलेमाइड। इस एन एल्काइल थैलेमाइड की फर्दर हमें KOH से रिएक्शन करवानी है एक्वस, तो यहाँ से फिर एमाइंस प्रिपेयर होता है, यहाँ से ये डिसोसिएट होगा, तो इट गिव्स पोटेशियम थैलेट सॉल्ट, प्लस
आर एन एच टू 1 डिग्री एम आइन। तो इस रिएक्शन से हम 1 डिग्री एमाइंस प्रिपेयर करते हैं और इसमें हम एरोमेटिक एमाइंस नहीं बना सकते क्योंकि एरोमेटिक एमाइंस जो है वो SN2 रिएक्शन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते, सबसे लिस्ट रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, वो पहले मैंने आपको बताया है। तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से हम एलिफेटिक एमाइंस प्रिपेयर कर सकते हैं और वो भी मोस्टली 1 डिग्री और 2 डिग्री। 3 डिग्री एमाइंस प्रिपेयर इसलिए नहीं होता क्योंकि वो 3 डिग्री आरएक्स से रिएक्ट होगा तो वो ज़्यादा बल्कीएस्ट हो जाएगा और बल्कीएस्ट होने के कारण यहाँ पर वो प्रिपेयर नहीं होगा। तो ज़्यादातर इससे हम किस में यूज करते हैं, 1 डिग्री एमाइन प्रिपेयर करने के लिए काम में लेते हैं। तो दिस रिएक्शन इज लिमिटेड टू 1 डिग्री एमाइंस एंड इट नॉट अप्लीकेबल फॉर एरोमेटिक एमाइंस लाइक एनिलीन्स। ओके, तो ये भी रिएक्शन कम्प्लीट है। तो आज हमने जो एमाइंस की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है उनके बारे में डिस्कस किया है। सबसे पहले कार्बिलेमिन किया, उसके बाद हमने कार्बिलेमिन के बाद हमने किया था रिएक्शन कौन सी थी वो हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन और इसके बाद कपलिंग रिएक्शन अमोनोलिसिस एसिटिलेशन और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस और एक रिएक्शन और थी डाइएज़ोटाइजेशन। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ द एमाइंस चैप्टर ऑल्सो फॉर CBSE एंड RBSE बोर्ड। ठीक है, तो आज का हम चैप्टर यहीं कंप्लीट करते हैं, टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको इनकी जो मैकेनिज्म है वो जरूर यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1 सभी की जो मैकेनिज्म है। आज हमने सिर्फ इनकी रिएक्शंस को देखा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद मैकेनिज्म ऑफ दीज रिएक्शंस। तो हमारे साथ ऐसे बने रहें, थैंक यू।